दिया? 2 रुपए। अरे ये क्या, मेरे साहब पपीता को लेते जाइए। आइए साहब आइए, क्या चाहिए? क्या बात है रंजीत सिंह जी? कुछ नहीं, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, आज अचानक मिल गई तो मैंने सोचा हेलो कर लूं। कहां से आ रही हो? हॉस्पिटल से। हाँ। गायत्री देवी से मिलने गई थी। ये फल लेकर गई थी, वापस क्यों ले आई? दीदी को मुबारकबाद देने गई थी, वहां जाके बुरी खबर मिली कि उनके मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। ओफ, 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 ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है, मैं अभी उनके शोक में शामिल होने जाता हूँ। चलो ड्राइवर जल्दी चलो। 5 रुपया चलो। यह टोकरी थी वो कहाँ गई? वो तो बिक गई मैम साहब। कौन ले गया? वो देखिए, वो सेलर लोग ले गए। मैम साहब आपके लिए पपीता रखा है। मैडम आप ऊपर नहीं जा सकती, मेरा उस ऑफिसर से मिलना बहुत जरूरी है। अगर उस ऑफिसर को मिलना, मुंबई जाकर मिलिए, 3 दिन के बाद ये जहाज मुंबई पहुंचेगा। प्लीज। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकती, प्लीज आई एम सॉरी। मैं पूरी कोशिश करके भी गायत्री देवी की सहायता न कर सका, उन्होंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे उनके साथ पूरी हमदर्दी है। मुझे डर है ये सदमा उनकी जान न ले ले। ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब, कुछ भी करके उनकी जान बचा लीजिए। अब सिर्फ गायत्री देवी स्वर्गवासी रणबीर सिंह की निशानी रह गई हैं। मैं एक नजर उन्हें देख सकता हूँ? क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। हेलो, डॉक्टर शर्मा रंजीत सिंह को लेकर आ रहे हैं। देखिए अब इनकी क्या हालत है, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? अब तो आप इनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। मैं अभी मंदिर में जाकर प्रार्थना करता हूँ। वाह रे ऊपर वाले, ओफ, जब देने पर ही आता है तो बगैर छप्पड़ फाड़े ही दे देता है। पहले तो उसने रणबीर सिंह को अपने पास बुला लिया और अब जो उसका बेटा हुआ तो मरा हुआ। अब तो राजा साहब की सारी दौलत मेरे हिस्से में आएगी। जोरावर सिंह, उस मरे हुए बच्चे के नाम पर आज तुम भी हमारे साथ भी हो। ये बच्चे को रोने की आवाज कहां से आ रही? बच्चा यहाँ शिपर, बच्चे आज सुबह के नटाग मार्केट नहीं आ गए? हुई। फलों की टोकरी में फूल? फूल नहीं, मुझे तो ये तुम्हारी ही भूल लगती है जो किसी ने बड़ी खूबसूरती से तुम्हें लौटा दी। देखो मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, मैं पहली दफा कुछ नहीं किया। आई नो, लेकिन इस बच्चे को यहाँ रखा किसने? ये बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचो इसका किया क्या जाए। करना क्या है, कैप्टन शमशेर के हवाले कर देंगे? नहीं, कैप्टन को बताना भी नहीं, वो हम का पुलिस को बोलेगा, पुलिस आकर हमें तंग करेगी। और दूसरी बात यह कि पुलिस इसका करेगी क्या? और तीसरी बात यह है तुम इसका क्या करोगे? गधे, अगर पुलिस को दे दिया वो इसे ले जाकर अनाथ आश्रम में दे देगी, और इस बेचारे की ना तो ठीक ढंग से देखभाल होगी और ना इसे कोई प्यार देगा। और जब ये जवान होकर वहां से निकलेगा तो ना जाने चोर डाकू चक्का क्या बने। तुम तो यूं हमदर्दी दिखा रहे हो जैसे इसे गोद लेने का विचार हो। ख्याल बुरा नहीं रोमियो, बच्चा बहुत खूबसूरत है, भगवान ने इसे मेरे स्पुर्द किया है, इसकी देखभाल भी मैं करूंगा।
कहना बड़ा आसान है लेकिन कैप्टन साहब को कौन समझाएगा। तुम तो यहाँ के रूल जानते हो कि इस कार्गो शिप पर औरत और बच्चा बिल्कुल अलाउड नहीं है। सोचने वाली बात है प्यारे, इसमें सोचने की क्या बात है, तीन ही दिन का तो सवाल है, तब तक हम इसे उस बुढ़े कैप्टन की नजरों से बचा के रखेंगे। और बॉम्बे पहुंचते ही मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। देखो तुम मेरे यार हो, इतनी मदद नहीं करोगे? क्या बात करते हो पार्टनर, अभी जाके पटाता हूँ मैं। वेरी गुड। अरे नहीं, भूख लगी है, जल्दी से दूध के अंदर अभी लाया, जल्दी का। प्यारा बच्चा, लेकिन इसे दूध पिलाओगे कैसे? ये भी प्रॉब्लम है यार, गिलास से कैसे दूध पिएगा? इसलिए तो फीडिंग बॉटल चाहिए। फीडिंग बॉटल? और इस शिप पे यहाँ तो बॉटल सिर्फ विस्की की मिल सकती। अच्छा तुम इसे संभालो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अच्छा, पूछो पूछो पूछो, छू छू नहीं करना। जरूर करना, जरूर करना। अरे सुनील, क्या हुआ? नाभि के नीचे बहुत जोर का दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। बैठो, मैं तुम्हें देखता हूँ। ये सातवां आखिरी इंजेक्शन है, दो दिन का रेस्ट रिकमेंड किए देता हूँ, जाके सो जाओ, समझे? आपकी बात तो ठीक कर दिया है, फिर कभी ऐसी हरकत की तो रिपोर्ट करके नेवी में से निकलवा दो। अरे सुनील, तुम कहा जा रहे हो? अच्छा अच्छा, बतलो बतलो। देखो सी, इसमें दूध डालो। दूध इसमें? तो गोलियां पाशा कर रहा है। गोलियां पाशा कर रहा मैंने देखी, मजा में जल्दी जल्दी बेटा, पिन कुछ बहुत रो रहा है। अरे वाह, अरे सब लोग, मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी है। सर बच्चे तो रोया ही करते हैं, मैं जब छोटा था बहुत रोता था, और मेरी माँ। किसकी माँ? मैं क्या कह रहा था? सर आप मेरी माँ का जिक्र कर रहे थे। तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ से मेरा क्या रिश्ता? हाँ याद आया, मैं माँ का जिक्र नहीं कर रहा था, बच्चे का जिक्र कर रहा था। मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी है। मैंने भी सुनी है सर। रियली? यस। फ्रॉम वेयर? उस केबिन से। उस केबिन से? चलो मैं एक एक केबिन की तलाशी लूंगा, कम ऑन जल्दी जाओ। मर गए, वो बुड्ढा सारे केबिन्स की तलाशी ले रहा है, जल्दी से बच्चे को लेकर छिप जाओ, जल्दी करो। अरे अब, अरे यहाँ नहीं वहाँ, एक दरवाजा खोलो, कम ऑन। अरे अब, अरे अब, अब रह गया सुनील का कमरा, मैं सुनील के कमरे की तलाशी लेता हूँ अभी। आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? मैं बच्चा ढूंढ रहा हूँ सर। बच्चा और हमारी शिप पर? सर ये रूल आप ही ने बनाया है कि इस शिप के ऊपर कोई औरत या बच्चा नहीं आता। ऑफ कोर्स नॉट। क्या आवाज क्या थी? सर ये बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, ग्राइप वाटर की पब्लिसिटी। बच्चा रोए या उसके पेट में दर्द हो, उसे ग्राइप वाटर दीजिए। सर आप ग्राइप वाटर पीते हैं कि नहीं? शट अप। सुनील कहाँ है? डेक पर है सर। सो व्हाट, मैं क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि मैं डेक पे जा रहा हूँ। हाँ यस यस, आई वॉज गोइंग ऑन द डेक। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। थैंक गॉड तुमने बुढ़े को चलता कर दिया, जब पकड़े जाते तो बहुत बुरा। आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक्स टू विविध भारती, मंजू शाह प्रोग्राम। वो शिप बम्बई गए हैं और तीन दिन बाद वहाँ पहुँचेगा। अगर मैं हवाई जहाज से जाऊँ तो शिप लगने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी और मुन्नी को ले लूंगी। बच्चा मिलते ही तुम हमें तार दे देना। सुनील तुम्हारे पिताजी थे ना, योर फादर, मैं और वो दोनों कौशिक शिपिंग कॉर्पोरेशन में एक साथ काम किया करते थे, और थोड़े दिन के बाद वो उसके चेयरमैन भी बन गए थे। ही वाज अ जॉली गुड मैन, अ वेरी बिग मैन ही वाज। एंड रोमियो किधर? वो अपने गुनाह धो रहे हैं सर। व्हाट? सॉरी सर, वो नहा रहा है। ये 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 आवाज क्या है ये? आज इसका बर्थडे है सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके माइक, मैं पूछ रहा हूँ ये आवाज क्या आ रही है? हम बोल रहे हैं सर, इसको मारे मत दे। मुझको ये सब
क्या हो रहा है? मैं एक गधे की तरह से चिल्ला रहा हूँ और तुम लोग सुन नहीं रहे हो। मैं क्या कह रहा था? मैं आप एक गधे के बारे में कह रहे थे। ओह शट अप, मैं गधे के बारे में नहीं कह रहा था, बल्कि मैं गधे के मैं बच्चे के बारे में कह रहा था। मैं अभी तक उसके रोने की आवाज सुन रहा हूँ। मैं भी सुन रहा हूँ। तुम भी, तुम लोगों ने भी सुनी। लेकर थे मैं तो चुप रहा हूँ। तुम इधर आके खड़े रहो। आई एम श्योर बच्चा है और इसी केबिन में है। बच्चा यहाँ नहीं है सर। आपको वहम हो गया सर। मुझको वहम हो गया है। आई विल शो यू। मुकदमा खोल। नहीं ठहरो ठहरो, मैं खोलूंगा। सर गिव मी अ चांस, मैं खोलता हूँ। ओह माय गॉड यू हॉरिबल बीस्ट, प्लीज कवर योरसेल्फ यू इडियट। सर कवर कर लिया। कवर किया। ऑलराइट। हियर इट इज। नो नॉट हियर। सेकंड केबिन में होगा। सेकंड केबिन चलो। कम ऑन सेकंड केबिन, तुम भी चलो। मेन आई आई सर। Now you all are caught. मुझे मालूम है बच्चा कहाँ है। बताऊं? बच्चा इस ट्रॉली में है। इस लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। Oh, you ugly beast! You report to me in my office and in uniform. Sir, I'm ready. Thank you. बच्चा यहाँ फिर नहीं है। मैं आपसे पहले ही कह रहा था सर, बच्चा यहाँ नहीं है। बच्चा यहाँ नहीं है तो कहाँ? मैं क्या कह रहा था सर, आप डेक पर जा रहे थे। ओह यस, आई वाज़ गोइंग ऑन द डेक। थैंक यू सर। यस, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ओह नो, उठारा शुरू हो जाओ। मुझे तो लगता है कैप्टन सिंसेरी राज का दिमाग चल गया। बच्चे तभी तो रह रहे के। बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये बहुत खतरनाक बात है। मैंने सुना है शिप पर जो लोग बहुत देर तक काम करते रहते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। अगर इन्हें इसी तरह से बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई पड़ती रही तो ये भी पागलखाने न पहुंच जाए। पुअर डियर, डियर कैप्टन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओह माय गॉड। तो पिछले दो रोज से आपको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। यस डॉक्टर। आपकी शादी हुई है? शादी जी नहीं। कोई बच्चा हुआ है? व्हाट व्हाट नॉनसेंस। मेरा मतलब है बच्चा तो शादी के बगैर भी हो सकता है। आपने शादी नहीं की इसीलिए आपको गिल्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। ओह माय गॉड, आप अपने आप को गुनहगार समझने लगे हैं क्योंकि आपने औलाद पैदा नहीं की। यू डोंट से। और ये जो आपको रोने की आवाज सुनाई दे रही है ये किसी बच्चे की आवाज नहीं है बल्कि खुद आपके रोने की आवाज। बट आई एम नॉट क्राइंग। ये आपकी अपनी आत्मा है जो अब बिलक बिलक के रो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये साइकियाट्रिक एक्सप्लेनेशन है। ओ, आपके दिमाग में टेंशन बहुत है, ये नींद की गोलियां ले जाइए। थैंक यू। हेलो बॉयज, जुकाम। फिर बच्चा साइड साइड प्लीज। सुनील, तुमने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी? नहीं, बच्चे की रोने की आवाज तो मैंने नहीं सुनी। नहीं सुनी? मैंने भी नहीं सुनी। मैंने पहले भी कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनी। कमाल है। ओ, दूध भी पी लिया फिर भी रोए जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अब बच्चा माँ के बगैर तो रोएगा ही यार। बच्चा तो तुमने पाल लिया, अब इसके लिए माँ कहाँ से लाओगे? थोड़ी देर के लिए तो इसकी माँ बनेगा। आइडिया, साड़ी मैं ले आता हूँ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ इनसे खरीद के लाया। तुम लोग मुझे किस चक्कर में फंसा रहे हो? बच्चे पहले तो बड़े खुश होकर इसे गोद में लेकर कह रहे थे मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। अब जरा माँ बनकर दिखाओ। अगर कैप्टन ने मुझे साड़ी में देख लिया वो मेरी किसी आदमी से शादी करवा देगा। अगर बच्चे को रोती हुई देख लिया तो क्या होगा? साड़ी किसके लिए? तुम्हारे लिए। तेरी खूबसूरत मारी। चुप कर, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप कर रहे। अरे कंप्यूटर किधर से है? चुप कर। मुन्ने की अम्मा, अरे बेटे मुंह,
बेटा। क्या? तेरे बेटे के अब्बा का नाम क्या है? मुन्ने की अम्मा ये तो बता, तेरे बेटे के अब्बा का नाम क्या है? सच सच बता तू ना हमसे छुपा, बोल गोरी करता वो काम क्या है? मुन्ने की अम्मा ये तो बता, तेरे बेटे के अब्बा का नाम क्या है? बरखा है ये, अच्छा जाने कहाँ से कब का है ये, अरे बादल की बरखा है ये, जाने कहाँ से कब का है ये। क्या बिन मांगे ही गोद भरी, पतझड़ में डाली हरी हुई। क्या बिन मांगे ही गोद भरी, अरे पतझड़ में डाली हरी हुई। देख रानी झूठे ना आंसू बहा, अरे मुन्ने की अम्मा ये तो बता, तेरे बिटुआ के अबुआ का नाम क्या है? अरे मुन्ने की अम्मा ये तो बता, बेटे के अब्बा का नाम क्या है? मुरब्बा चू चू का बेसुरा ये बाजा रू रू का, कम बख्स मुरब्बा चू चू का। भूखे को दूध पिला देगी तो नन्नी सी जान दुआ देगी, भूखे को दूध पिला देगी तो नन्नी सी जान दुआ देगी। झूला झूला इसको लोरी सुना, अरे मुन्ने की अम्मा ये तो पता, तेरे बिटुआ के अब्बा का नाम क्या है? अरे मुन्ने की अम्मा ये तो पता, तेरे बेटे के अब्बा का नाम क्या है? सदके तू इसके अब्बा बन जाओ, मैं बन गई इसकी अम्मा जी, तू इसके अब्बा बन जाओ। तो मर दो हो तुम कुर्बानी दो, इस फूल के फूल को अपनाओ। तो मर दो हो तुम कुर्बानी दो, इस धूल के फूल को अपनाओ। अरे नखरे न कर इसे चुच्चू पिला, है मुन्ने की अम्मा ये तो बता, तेरे बिटुआ के अगुआ का नाम क्या है? अरे मुन्ने की अम्मा ये तो बता, तेरे बेटे के अगुआ का नाम क्या है? सच बता तू ना हमसे छुपा, बोल गोरी करता वो काम क्या है? अरे मुन्ने की अम्मा ये तो बता, भी तो मैं कह रहा था मैंने एक औरत देखी है। साइड, दिस साइड, कम ऑन गेट अ साइड, वेल सी कम ऑन। कहां है औरत? दोनों से किसे ढूंढे सर? कोई हो तो उसे ढूंढे। सर ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको जाकर आराम करना चाहिए। हाँ सर, आप कुछ थके थके से लगते हैं और आज कुछ गर्मी भी ज्यादा है। सर आप लेटे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि आप आराम करने जा रहे हैं। ओह यस, आराम आराम, दैट इज बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, लेट्स गो। यार अपने कैप्टन साहब को क्या हो गया?
पहले तो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती थी, अब तो औरत भी दिखाई देने लगी। भगवान और चाहे कुछ बनाए पर आदमी को पागल ना बनाए। हाय बेचारे कितने अच्छे आदमी थे, दिमागी बीमारी ने क्या हालत कर दी। आ पुअर डियर चेयर कैप्टन, गॉड हेल्प हिम हेल्प हिम हेल्प हिम। अच्छा तो अब आपको एक औरत भी दिखाई दे रही है। यस डॉक्टर, तो मेरा एनालिसिस करेक्ट निकल रहा है। पहले आपको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी, अब उसकी मां भी नजर आने लगी। दिस इज ए डेफिनेट अपसर्ज ऑफ योर सप्रेस्ड इमोशंस। डॉक्टर क्या मेरा केस बहुत सीरियस हो गया है? लगता तो ऐसे ही है। जैसे ही शिव बंबई पहुंचे आप फौरन 2 महीने की छुट्टी लेकर समुन्द्र से दूर किसी पहाड़ी मकान पर चले जाइए और वहां से रोजाना अपने सपनों की डिटेल्स मुझे लिखते रहिए। सपने? व्हाट सपने? आई नेवर ड्रीम। सपने जो आप जागते में नहीं सोते में देखते हैं। ओ बाय जो, मुझे अपना इलाज कराना ही पड़ेगा। Are you sir? I am Papa. Papa. I see. Don't worry. It's only galloping zukam. Galloping zukam, I understand.